चौकस है। तो गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। थोड़ी देर का वक्त जब खाक में मिल जाएगा मुख्तार अंसारी। गाजीपुर में सुरक्षा की जगह बैरिकेडिंग देखिए, जगह जगह हम जो बता रहे थे आपको, यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है समर्थकों का। जहाँ पर इस वक्त तस्वीर, जिस बात का अंदेशा था कि जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं, तो देखिए भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं गाजीपुर की, जहां कब्रिस्तान के बाहर का नजारा, किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। थोड़ी ही देर में सारी रस्में खत्म होने के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारी जन समर्थन भी था मुख्तार अंसारी को। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था जहां पुलिस की दिखाई दे रही है, वहीं समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। देखिए अभी जो है मिट्टी यहाँ आ चुका है, आप देख सकते हैं कि जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। मिट्टी यहाँ पे आ गई है, लोगों का हुजूम यहाँ पे इकट्ठा, और जैसे जैसे हुजूम आ रहा है मिट्टी आ रही है, लोग काफी उत्तेजित हो रहे हैं। और यहाँ बगल में ही कब्रिस्तान है, कालीबाग कब्रिस्तान है, जहाँ पे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। मिट्टी के साथ काफी सारे लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। लेकिन क्या ये तमाम लोग नमाजे जनाजा के लिए शामिल हुए हैं? जी जी, नमाजे जनाजा हो चुका है, अभी कुछ देर पहले ही वहाँ मस्जिद में नमाजे जनाजा हुआ है। जनाजा बस आने ही वाला है, कुछ देर में, बस चंद मिनट में ही ये कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी का शव यहाँ आ चुका है, काफी सारे लोग उनके साथ। देखिए हम लगातार हिमांशु जो तस्वीरें आप तक आप पहुंचा रहे हैं हम तक, हम वही तमाम तस्वीरों को, लाइव तस्वीरों को साझा कर रहे हैं दर्शकों से। देखिए नमाजे जनाजे के बाद किस तरीके से भारी हुजूम उमड़ा हुआ है और कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज इंडिया, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नमाजे जनाजा, कहा जाता है कि सुपुर्दे खाक होने से पहले नमाज के लिए ले जाया जाता है जनाजे को, और वो पूरी क्रिया कर चुके हैं। इसके बाद अब आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, कब्रिस्तान की ओर बढ़ा जा रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है कि आप वहीं रुकिए, लोगों से अपील की जा रही है, कितनी संख्या में अभी लोग इकट्ठा हो गए हैं? जी सोएब अंसारी हैं, जो मन्नू अंसारी जो विधायक हैं, वो अपील करते हुए गए हैं। अभी ये डीएम और एसपी आ रहे हैं वहाँ से जनाजे के साथ, ये सबको हटाया जा रहा है, यहाँ पे दूर किया जा रहा है। जनाजा बस पहुँच चुका है, जैसे ही गली के अंदर आ चुका है, गली से जस्ट बाहर ये निकलने वाला है। सबसे अपील की जा रही है, डीएम है, एसपी है, सब लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सभी भीड़ को हटाया जा रहा है, जल्दी से जल्दी रास्ता यहाँ से खाली हो जाए। और देखिए हम ये जो खबर मिल रही है ना कि फिलहाल जो भारी संख्या में सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 2000 से ज्यादा जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं मुख्तार के, वो इकट्ठा हुए हैं। जी काफी सारे लोग हैं जनाजे में, जितने लोग